ले जी, हम शाउटर वैली के तकरीबन पास पहुंच चुके हैं। इस इलाके में जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, इसको नीलम होज का नाम दिया जाता है। इधर से हम चिट्टा खट्टा लेक की तरफ जा रहे हैं। ये पहाड़ जो ऊपर नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे है। आज तो नहीं हम पहुंच सकेंगे, आज जुम्मे का दिन है। आज हम इसकी जो बेस कैंप है पहला, उधर तक पहुँचेंगे 2 से 2.5 घंटे की हाइकिंग करके। अभी तकरीबन 4:15 का टाइम है, तो हम तकरीबन शाम की अजान तक उम्मीद है इंशाल्लाह हम डाकवान पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हम वहां पे अपना कैंप लगाएंगे। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह 5 से 6 बजे के दौरान हम चिट्टा खट्टा की तरफ दोबारा से हाइकिंग शुरू करेंगे। मकामी लोग बता रहे हैं 3 घंटे फिर वहीं से लग जाते हैं, तो साथ साथ आपको अपडेट करता हूँ। और ये देखें इस साइड पर, ये कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, पहाड़ियों में ये सारी वादी गिरी हुई है। तो यहाँ पे आते बहुत थकन होती है, बहुत सलालत भी उठानी पड़ती है, लेकिन जब ये सीन देखते हैं आप, जब ये नज़ारे देखते हैं, तो फिर सारी थकन भी जाती है। ये सामने देखें, थकन भी जाएगी आपकी, आपको मज़ा भी आ जाएगा और आप इंजॉय भी करेंगे। तो इंशाल्लाह रास्ते में जिधर कोई अच्छे पॉइंट आए तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम इस रास्ते से ऊपर लेक की तरफ जाएंगे। इतने खूबसूरत रास्ते मैं आपको बता नहीं सकता, यकीन करें, लेकिन इन खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत आला, इस चश्मे के साथ साथ हमने इन पहाड़ों के ऊपर जाना है 7-8 घंटे की ट्रैकिंग करके, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में हम करेंगे। इस ट्रैक पर चलता है ये झील से आने वाला पानी, और इस ट्रैक पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के जो फूल हैं, वो इस ट्रैक की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। चिट्टा उसके डाकवान की बेस की तरफ जा रहे हैं, रस्ते में रुके हैं, रास्ता बहुत मुश्किल है उस पर का, तो बस समझ ले के काम हो गया। ये हमारे साथ अंकल हैं, ये गाइड है, और यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त भी बैठे हुए हैं, छोटे दोस्त। तो अभी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें भी आ रही होंगी, ऊपर से पानी आ रहा है बहुत स्पीड के साथ, वीडियो में भी आपने देखा, तो आप साथ साथ रहिए और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपको मज़ा ना आया तो आप बेशक मेरे चैनल को कभी ना देखें। ट्रैक के शुरू टाइम से ले के और एंड तक जहाँ तक ये झील जाएगी, ये पानी ऐसे ही आपके साथ चलता जाएगा,
आप वीडियो में देख के अंदाज़ा लगाएं कि जब ट्रैक इतना खूबसूरत हो, जिसमें साथ साथ ही इस तरह से पानी जा रहा हो, फूल हो, आपको ग्लेशियर से भी गुज़रना पड़ेगा, आपको पत्थरों में से भी गुज़रना पड़ेगा, तो ये ट्रैक को सारी चीज़ें मिलके कितना खूबसूरत बनाती होंगी। मेरे वादी नीलम के इस टूर का जो सबसे मेन पॉइंट था वो चिट्टागिट्टा झील ही था। तो मेरा दिल है मैं आपको इस झील का जो ट्रैक है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो के थ्रू दे सकूं कि आपको रास्ते में किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा, किस तरह के रास्ते होंगे, किस तरह का ट्रैक होगा। इस वजह से ये वीडियो जो है मेरे इस सीरीज़ की सबसे लंबी होने वाली वीडियो है। इस ट्रैक के बारे में कुछ अफवाहें भी हैं कि ये जिन्नात का मस्कन है और यहाँ पे बाहर की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हमें इस किस्म की किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि हम अकेले जो थे इस ट्रैक को कर रहे थे, हमारे साथ सिर्फ एक गाइड था। तो इस किस्म की बातों पे यकीन करने की बजाय अगर आप इस ट्रैक को करेंगे तो आपको ऐसी खूबसूरती देखने की को मिलेगी कि आपका बार बार दिल करेगा कि हम इस ट्रैक पर जाएँ। इस पॉइंट के बाद वो जगह आएगी जो इस ट्रैक में पहला प्लेन मैदान है, मतलब जितना आप ट्रैक करके आएंगे उसमें जो टोटल दो मैदान आएंगे जो प्लेन होंगे, वहाँ पे चलना और ट्रैक करना थोड़ा इजी है। तो पहला मैदान ये है जिधर से अभी हम गुज़र रहे हैं, और दूसरा प्लेन मैदान जो है वो कल आएगा, कल की जो ट्रैकिंग है उसमें हम देखेंगे। हम तकरीबन कैंपिंग साइट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आज रात यहीं पे हम स्टे करेंगे और फिर कल बाकी ट्रैकिंग जो है कल सुबह हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और हम चिट्टागिट्टा लेक का जो पहली बेस कैंप है वहां पे पहुंच चुके हैं। हमें रास्ते में तकरीबन 3 घंटे लग गए, और ये कौन सा रास्ता है जो कि पैदल ट्रैकिंग है, ये एक नीचे होज नीलम के नाम से गांव है, उधर से ये रास्ता निकलता है। अब हम 3 घंटे पैदल ट्रैकिंग करके ऊपर बेस कैंप पे पहुंचे हैं। यहाँ पे हमने अपना टेंट इंस्टॉल किया। यहाँ पर आप अपना टेंट भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे रेंट पे भी टेंट अवेलेबल हैं। आपको वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इतनी ऊंचाई पर और इतनी दूर अगर थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज़ें भी मिलें तो मेरे ख्याल से वो
जायज़ होती हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ तक चीज़ें लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे, हमारे साथ गाइड भी मौजूद हैं, और कल मज़ीद हम 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग करके ऊपर जो है वो किट्ठा छिट्टा की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ये ऊपर जाना है हमने, ये आपको नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह मैं अब आपको सुबह अपडेट करूँगा। हम इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बस हमने रात का खाना खाना है और थोड़ी देर तक, और फिर हम इंशाल्लाह सोएंगे और सुबह 6 बजे निकलेंगे। तो इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम डकवन बेस कैंप ऑफ चिट्टा गिट्टा लेक। आज हमारा इस टूर का 6ठा दिन है, और आज हम दोबारा से अपनी ट्रैकिंग जो है वो झील की तरफ शुरू करेंगे। नीचे से गाइड मिल जाएंगे, वो एक तो आपको गाइड करेंगे, और दूसरा वो आपका सामान भी साथ उठा सकते हैं थोड़ा सा, और अगर आप कैंप नहीं लेके आते तो डकवन और ऊपर भी इससे थोड़ा दूसरा डक टू दूसरी बेस कैंप है, यहाँ पे कुछ 5-6 टेंट लगे हुए हैं, वहाँ पे आपको जगह मिल सकती है, और यहाँ पे खाना भी मिल जाता है। सिग्नल नहीं आते किसी किस्म के, इंटरनेट नहीं आता, लाइट नहीं है, आपको ये सारा बंदोबस्त जो है पीछे से करके आना पड़ेगा। तो अभी बस हम नाश्ता करके ना तो निकलने वाले हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, हम जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे और वापस आएंगे। दूसरे दिन की ट्रैकिंग हम शुरू कर चुके हैं, और यहाँ से हमें मज़ीद 3 से 4 घंटे लगेंगे लेक तक पहुँचने में। और आप ये देख रहे हैं कि रास्ते में ग्लेशियर भी आ रहे हैं, पानी का ये जो नाला है ये भी आपके साथ साथ चलेगा, और इसके बाद इस ग्लेशियर के बाद इस ट्रैक का दूसरा मैदान आएगा जो कि प्लेन मैदान है। और यहाँ पर ये वो मैदान आपको नज़र आ रहा है, ये वो मैदान है जहाँ पर आपको थोड़ा ट्रैक करना बनिस्बतन ईजी होगा, जिससे आप अपना सफ़र थोड़ा जल्दी कर सकेंगे। जंगली घास है यार, कुछ भी नहीं है, खट्टा मीठा बड़े मजे का, एनर्जी देते जब आप पहाड़ों पे जा रहे हो ना, मजा आता है। आप भी आए तो खाइएगा, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। बड़े मजे का मैं खाता जा रहा हूँ। क्या किस जैसा जायका? कच्ची सब्जी नहीं कोई होती, खट्टी मसा मजा। इस वीडियो में मैंने जितनी नेचुरल साउंड्स हैं उनको कोशिश की है कि उनको मैं म्यूट ना करूं, और मेरी आवाज़ के साथ साथ आपको पानी के गिरने की आवाज़, पानी के चलने की आवाज़, हवा की आवाज़, और यहाँ पे कुछ जानवर हैं जिनको मकामी ज़बान में कंचुआ बोलते हैं और इसको मारमोट भी कहा जाता है, उनकी आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। इस ट्रैक की जान और सबसे खूबसूरत पॉइंट ये 2 वाटरफॉल्स हैं जो कि ऊपर से गिरती हैं, और हमारी किस्मत कि हम इन वाटरफॉल्स के वक्त पास उस वक्त पहुंचे जब सूरज तलुआ हो रहा था, जिसकी वजह से इनका जो नज़ारा है वो इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर हिम्मत है तो आओ, वरना बेशक ना आओ भाई जान। कितने कितने घंटे हो गए आपको पैदल चलते हुए?
बज गए हैं 6:15 बजे हम नीचे बेस कैंप से निकले हैं। और टोटल नीचे होज बिली से चलते हुए कितना टाइम हो गया? चलते हुए हमें 3 घंटे लगे हैं। 3 घंटे में हम डक पहुंचे हैं, डक वन, और फिर रात का स्टे किया और फिर 3 घंटे में हम अभी तक पहुंचे। अभी झील हो गया आपको ये तो जो यहाँ पे आता है उसे पता होता है कि क्या होता है। मास्टर की बस हो गई है। बहुत मजा आता है, बंदा ला जूत ले। हम इस वक्त तकरीबन 12,000 से 13,000 फीट की बुलंदी पे हैं और इतनी बुलंदी पे आके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इससे आपका सर दर्द करेगा, आपके कंधे दर्द करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर अपने साथ पानी की एक बाटर रखें और उसका सिर्फ एक एक घूंट पीते रहें थोड़ी देर बाद, तो ये ऑक्सीजन की कमी वाला जो मसला है वो आपका आसानी से हल हो जाएगा। ये आखिरी चढ़ाई है, इसके बाद इंशाल्लाह इस चढ़ाई के बाद आगे हमारे कट, हम तो नाम भी नहीं बोलने वाला, चिटागटा लेक आ जाएगी। ये तकरीबन 12,000 से 13,000 फीट की बुलंदी पे है और नज़ारे इसके ऐसे हैं कि मैं शायद 5 से 10% इस मोबाइल कैमरा में कैप्चर कर पा रहा हूँ। बाकी अगर किसी ने देखना है तो वो खुद ही इधर आए। मेहनत बहुत ज़्यादा है, हिम्मत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि कैसे नज़ारे आते हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम झील के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से मैक्सिमम हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ऊंचे ऊंचे, इन पहाड़ों के दामन में वो झील है और आपको नज़ारे करवाता हूँ। और फाइनली हम चिटागटा झील पे पहुंच चुके हैं। अभी जुलाई का महीना है जिसकी वजह से ये झील अभी तक मुकम्मल तौर पे मेल्ट नहीं हुई। अगस्त के महीने में ये मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाती है, लेकिन अभी भी इसके नज़ारे जो हैं वो दिल को मोह लेने वाले हैं। आप भी इंजॉय करें हमारे साथ साथ। चारों साइडों पे बड़े बड़े पहाड़ हैं जिससे झील जो है वो बहुत ही खूबसूरत और पुरसरार नज़र आती है। इसकी झील की बाईं साइड से रास्ता निकलता है जहाँ से मकामी लोग पैदल अस्तोर पहुँचते हैं। अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है और मकामी लोगों के मुताबिक वो यहाँ से चलते हुए तकरीबन 3 से 4 घंटों में अस्तोर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम वापसी का सफ़र करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।